भाई व्लॉग तो बनते रहेंगे। मैंने सोचा है कि दूसरा व्लॉग हम डालते हैं कि जब हम एक शादी खाने जाते हैं या हम किसी की शादी करवाने जाते हैं, मींस के जो वेडिंग फोटोग्राफर होता है ना, वो जाहिर बात है हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं किसी न किसी शादी पे वो जरूर पहुंचा हुआ होता है। खुद नहीं जाता, उसको इन्विटेशन आती है, एज ए बिजनेस पर्पज ऑफ व्यू से जाता है। तो आज का जो हमारा ग्रूम है, यानी कि अगर हम उसको उर्दू में दूल्हा कहें, सबसे कम उम्र दूल्हा है। मैंने जब से वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट की है, सबसे कम एज दूल्हा है जिसकी हम हॉल में जाके या उनके भी घर हम जाएंगे सेहराबंदी के लिए, मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा उनसे। और सेकेंडली, कुछ अरसा पहले वो और मैं इकट्ठा हम वो एक पुराने ज़माने में टेकन थ्री गेम हुआ करती थी, मैं उससे टोकन कुछ उधारे मांगे के लिए करता था। तो आज का व्लॉग हम एक माहौल बनाएंगे कि पाकिस्तानी शादी कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो होप सो कि आपको ये आज वाला व्लॉग भी बहुत पसंद आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं एक पाकिस्तानी शादी वाले माहौल में। चलें जी, अब आपको ले के चलते हैं सबसे पहली रस्म जो पाकिस्तान में की जाती है, जिसमें एक दूल्हा को उसकी फैमिली वाले सेहरा पहनाते हैं और उसको हम सेहरा बंदी कहते हैं। तो साथ ही साथ आप हमारे दूल्हा को भी मिल सकते हैं। इनके बकौल ये कहते हैं कि मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन भाई ये रॉन्ग नंबर है, ये झूठ। यार आप इनके चेहरे की मासूमियत से अंदाजा लगा सकते हैं क्या 21 साल के हैं या नहीं। किस्मत हो तो इस भाई जैसी हो। गाड़ी चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत गाड़ी इनके लिए सजाई गई है। कितनी छोटी एज में इनको कितनी बड़ी गाड़ी दी जा रही है। अरे यार ये छोटा तो कमाल कर गया, स्टाइल चेक करो छोटे का गाड़ी में बैठने का। जब सारे दोस्त अपनी अपनी गाड़ियां लेके आ जाते हैं तो बारात होती है अपने मंजिले मकसूद की तरफ रवाना। तो अब हम जा रहे हैं जोराबाद, मेरे साथ हैं सैफुल्ला भाई फ्रॉम गुजरावाला, साथ नुमान भाई कमाल के फोटोग्राफर हैं, हमारी पूरी टीम है। मैं ड्रोन फ्लाई करूँगा, भाई फोटोग्राफी करेंगे और सैफ भाई जो है वो वीडियोग्राफी करेंगे। अभी क्योंकि छोटा सा इवेंट है, इसमें कोई वो ढोल छोल वाला सीन तो नहीं है। हम घर से होके जा रहे हैं, हॉल में देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। अभी आप देखिएगा सैफ भाई आपको जादू करके दिखाएंगे, फिर हम हॉल में मिलते हैं। सफर हो गया हमारा शुरू। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचेंगे जोहराबाद और वहां जाके करवाएंगे बारात की एंट्री। देखिए इस वक्त हम अभी पहुंच चुके हैं हॉल पर, ड्रीम पैलेस जोहराबाद के अंदर ये पैलेस है। और हम इसलिए बारात से पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि हमने आगे सेटअप लगाना होता है, एंट्री करवानी होती है बारात की। अगर हम लेट हो जाते हैं, और फोटोग्राफर को इज्जत इसलिए दी जाती है कि इसकी कटिंग हमेशा आगे होती है ड्रोन शॉट्स के लिए, वीडियो के लिए, फोटो के लिए। तो अभी होप सो बारात आएगी, उसके कुछ शॉट मैं आपको दिखाऊंगा कि एंट्री कैसे होती है बारात की। उसके बाद हम अंदर हॉल में चलेंगे जहाँ पे स्टेज है और जहाँ पे ग्रूम ने जाके आगे बैठना है। बारात आने के बाद उसके घर वाले, उसके वाले साहब, उसके भाई, उसके कज़न दूल्हे के सर पे कुछ पैसे रखते हैं जिसको पंजाबी में वेल कहते हैं। वैसे एक बात तो भाई मुझे समझ आई है, शायद आपको भी आई होगी, दूल्हा है तो छोटा लेकिन उसके सर पे जो पैसे आ रहे हैं 100, 200, 500, 1000 वाले, वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, क्या बात है। मैरिज हॉल के मेन गेट से लेके स्टेज तक लाने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम एंट्री कहते हैं, जो कि दूल्हे की एंट्री होती है जिसमें उसके अजीज़ व अकारब उसके सारे साथ इकट्ठे होते हैं और साथ भाई नोटों की बारिश चल रही होती है। इसी दौरान थोड़ा सा आपको हॉल की वाइब्स जो है वो चेक करवा देते हैं। हॉल तो माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। दूसरी साइड लेडी साइड है, ये हमारी जेंट साइड है। यहाँ पे अभी खुलेगा खाना जिसका इंतज़ार है सबको। वाओ, ये हम आ चुके हैं हॉल के अंदर। इसी दौरान अभी यहाँ पे निकाह का वेट हो रहा है क्योंकि खाना हमेशा निकाह के बाद खुलेगा। हफीज बाई दी ग्रेट, इनके इवेंट हमने रिसेंट किया हुआ है। अब ये निकाह हो चुका है, यहाँ पे अपने अपने फोटोग्राफर्स, क्योंकि दो दूल्हे हैं तो साथ साथ यहाँ पे अब सारे मिल रहे हैं। चले गले में इधर इस कैमरा में देखें ये खबरदीन हजरात, ये देखें, इसे कहते हैं बिद, ठीक है। अब इसको सैफ भाई खोलेंगे, शादी मुबारक लिखा हुआ है, ये बांटते हैं, हमने भी लिए और देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा। 3, 2, 1, वाह, कश्मीरी गोल्ड आपको मिलती है, कश्मीरी गोल्ड, क्या बात है। इसके बाद अगर इसमें एक और चीज़ भी होनी चाहिए जैसे छुहारा, छुहारा ऐसे आपस की बात है, जो इस्लाम में सुन्नत है वो छुहारा है, उसमें एक बरकत भी है। बहरहाल
एक शाही मेवा, एक शाही मेवा है जी, छुहारा है और बाकी सारे मखाने। ओह, इसका मतलब कि इसमें कुछ खास नहीं निकला। ट्राई अगेन। खाने का सीन ऑन होने लगा है जिसका वेट था सारी आवाम को जो कब से बैठी हुई थी। क्या ख्याल है सर? मटर पहला चम्मच लेने के बाद मटर भी है। क्या बात है, क्या बात, कैसा लगा टेस्ट आपको? इजी सीन है, क्या बात है। भाई हम दूल्हे के यहाँ पे कुछ फ़ोटो बनाएंगे। अभी औरतों की तरफ खाना खुला है कि देख रहे हैं आप, एम्बियंट लाइट बहुत खूबसूरत आ रही है और ग्रूम ऑफ द डे हमारे हैं ज़ियाद भाई। नुमान भी एक क्लिक करके अपने ऑडियंस के लिए इसको रोक के रखना है। एक कैमरा में देखो खूबसूरत शॉट। वाह, दोनों हाथ पीछे बांधो। पहले आप इस शॉट का BTS देखें और इसके बाद अब आप ये इसका फाइनल रिजल्ट देखिएगा, क्या वाइब्स आती है आपको, फिर आपने बताना है। जेंट्स की तरफ खाना खुलता है, फिर लेडीज़ की तरफ खुलता है। तो हमारे पास ये जो 5 से 10 मिनट हो जाए इसके दौरान ही हमने जो है वो ग्रुप का शूट करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जब लेडीज़ का खाना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर रस्में स्टार्ट होंगी, जो भी किसी ने गिफ्ट देना है, दूध पिलाई होती है, जूती होती है, वो उसके बाद स्टार्ट होती है। तो ये हमें 10-15 मिनट जो टाइम मिलता है इसके अंदर हम जस्ट ग्रुप का या साथ फैमिली का शूट करते हैं। जी नुमान भाई, ये वाला शॉट आपने दिखाना है, लाइट बड़ी मज़े की आ रही है, इसकी वाइब आपने स्क्रीन में दिखानी है हमें फाइनल। तो वाह वाह, क्या खूबसूरत। वैसे एक बात मैं ये बता दूं कि फोटोग्राफर आधा नाई भी होता है, बाल शाल ठीक करने। क्या बॉस, ऐसे ही है? जैसे ही हमारा शूट कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने जो हमारे दूल्हा हजरात है उसकी हम एंट्री करवाते हैं ब्राइड साइड पे। यहाँ पे ब्राइड आएंगी, कुछ फैमिली की रस्में होंगी और पाकिस्तान में सबसे महंगी तरीन रस्म जो मानी जाती है वो होती है दूध पिलाई। उसके भाई 2 घूंट के बहुत पैसे होते हैं। DO2 प्राइवेसी में आपको स्टेज की वो रस्में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सारी रस्मों के बाद एंड पे होती है रुखसती, जिसके बाद इवेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज का दिन हमारा था बड़ा अच्छा, हैप्पी एंडिंग। ये भाई इसलिए हंस रहा है क्योंकि जब हम इवेंट करके आए इस भाई ने कहा था, आपको पता है जगह एक डायलॉग चल रहा है कि मानी भाई मैंने चीजी खानी है, तो इनके लिए चीजी मंगवा ली है। इस वक्त हम पिज्जे वाले सीन में हैं और यहाँ पे एक हस्ती के आपके साथ मुलाकात करवाते हैं, ये है असद भाई। हर वीडियो हर फोटो में आप इनको मेरे साथ देखते तो होंगे, ये सुबह की इवेंट के लिए आए हैं। तो असद भाई कुछ कहना चाहेंगे? MPA के लिए जलील होंगे सुबह, MPA के लिए सुबह जलील होंगे, सुबह करेंगे। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे पिज्जे की, चलिए हमारे में स्टार्ट करें। मैंने जीजी खानी है। चलिए।